हमारे मित्र गौरव जी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि कुछ ऐसा लिखिए जिसमें अयोध्या और मिथिला का संवाद हो। आज स्वयं क्या बात, यहाँ अयोध्या के प्रतिनिधि बनकर आए हैं। हालांकि उन्होंने खुद ही अंत में जरूर कहा कि यह सीता का श्राप तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वहीं से शुरू करता हूँ। एक घटना दिखाने की कोशिश की गई है कि काशी में अयोध्या और मिथिला आमने सामने आती हैं और क्या होता है, सुनिए। स्वागत। एक बार गंगा के तट पर मिथिला और अयोध्या आई। एक बार गंगा के तट पर मिथिला और अयोध्या आई। एक घाट सीता की जननी, एक घाट पर राम की माई। एक बार गंगा के तट पर मिथिला और अयोध्या आई। चूंकि अयोध्या का भाग्योदय हुआ है, इसलिए हाथ लिए न्योछावर अपने, खड़ी अयोध्या मुस्काती थी। वाह। राम आए हैं राजा बनकर, कहती सबसे इठलाती थी। वाह। सीता का वनवास सुमिर कर, सीता का वनवास सुमिर कर, खड़ी हुई मिथिला सकुचाई। एक बार गंगा के तट पर मिथिला और अयोध्या। हीरे मोती स्वर्ण लुटाती चली शान से अवध मेदिनी। मेदिनी अर्थात धरती। हीरे मोती स्वर्ण लुटाती चली शान से अवध मेदिनी। मिथिला की आंखें कहती थी, कहाँ गई तुम जनक नंदिनी। इस उत्सव में तुम्हें अयोध्या। जब आदरणीय जोगी जी ने कहा वहां राम की प्रतिमा लगाई जाएगी, तो कर्ण सिंह ने एक पत्र लिखा था कि उस प्रतिमा की ऊंचाई को आधा कर दिया जाए और आधे बचे हुए मटेरियल से एक सीता माता की भी वहां पे मूर्ति लगाई जाए। जोरदार तालियां बजाएं। शायद उस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो इस उत्सव में तुम्हें अयोध्या सीता बिल्कुल याद न आई। एक बार गंगा मिथिला और अयोध्या। अद्भुत। अंतिम है। मैले वसन, मिथिला की स्थिति। मैले वसन दीन सा चेहरा, आंखों में आंसू की धारा। क्यों रोती है कौन बता तू, क्या दूं तुझको वैभव सारा। कहा अयोध्या ने तो बोली, कहा अयोध्या ने तो बोली, सीता ही लौटा दे माई। एक बार गंगा के तट पर मिथिला और अयोध्या। अब कुछ छंद सुन लीजिए आप लोग, चूंकि आप मुझसे छंद सुनना चाहते हैं, मैं जानता हूं। सबसे पहले माँ गंगा की स्तुति का छंद की। ए हो जहान विवेगवती, एही सभ्यता के दुलरैती नैया। वाह। तब से हिंदी सुन रहे थे, अब भोजपुरी के, काशी की अपनी भाषा कि ए हो जहान विवेगवती, एही सभ्यता के दुलरैती नैया। धार तुहार जहां ले बहे, ओह जामल बाशुचि ज्ञान के बिया। धार तुहार प्रसार है ज्ञान के, कौन नयंजुरी में भरी पिया। लाख जुगंतर से बही जात बा, पानी के धार पे माटी के दिया। क्या बात है। बही जात बा, पानी के धार पे माटी के दिया।
ग्रेजुएशन करने के बाद मैं दिल्ली चला गया और 4 साल बाद बनारस आया। अब फिर से एक बार हिजरत का समय है, तो यहाँ आ करके जो फील हुआ था एक छंद उस पर कि आप ही आपके छुअल चाहिला, ऐसे लगे जस पारस भैली, गंग समैली न आखिन में दुई बूंद बहाई सुधारस भैली, जौने के पीर बनी कविता तमसा तट के ओही सारस भैली, सौह तोहार बाबा तुलसी की बनारस आई बनारस भैली, सौह तोहार बाबा तुलसी की बनारस आई बनारस भैली। ये जो मेरी नई पुस्तक आई है उरहन, उरहन का अर्थ उलहना आप सब जानते हैं, बांसुरी क्या उलहना दे रही है कृष्ण को जब वो छोड़ करके चले गए हैं, कि ब्रज के सुनारी तोरे ओठ पे विराजमान, देखी देखी नाथ हो सिहाई गईली बांसुरी, क्या बात, ओखरी में जब रे कन्हाई के बनाई भैल नाथ तब साथ में बनाई गईली बांसुरी, ब्रज में रहत नाथ हाथ से न छूटे कबो, मथुरा में डाण में खुसाई गईली बांसुरी, तान छूटी गईल नाथ जमुना के पार उहा, मथुरा में तोरे संग आई गईली बांसुरी, कि सखिन से गारी पाके दोस भारी भारी पाके बारी पिछुआरी में बिगाई गईली बांसुरी, राधिका सवतिया के नाम भी पुकारे रोज केने बाड़े कान्हाई बताई गईली बांसुरी, लेके जब अइला कान्हा मथुरा में साथे साथे अपने में आप ही तराई गईली बांसुरी, दूर रही राधिका तनित ही याद आवे लगवे में रही के भुलाई गईली लगवे में रह के भुलाई गई वहाँ क्या करती थी बांसुरी, की ग्वाल के जगावे गाई बछरू चरावे नाथ सबके सुनावे गान प्राण रहे बांसुरी, प्रेममा के गान रहे नेह के निशान रहे हियरा के भाव के पुराण रहे बांसुरी, गोपिन के जियरा जरावे सुख पावे रोज गोपिन लाया गिन समान रहे बांसुरी, मथुरा में शंख चक्र गदवा कमल फूल अब ब्रज में तो एक के पहचान रहे बांसुरी, वाह वाह वाह, कि कान्हा कान्हा ब्रज लौट चला मथुरा जे रही हैं, त ताखा दिया राखा पे धराई जई हैं बांसुरी, युद्ध के नगाड़ा बाजी जब आसमान बीच जाई कौनो कोना में लुकाई जई हैं बांसुरी, धैल धैल सुर जाई हो कन्हाई सब पछुआ बेयार पे सुखाई जई हैं बांसुरी, राधिका के बिरह सहाई नाही जही दिन ओही दिन तूर के बिगाई जई हैं बांसुरी, राधिका के बिरह सहाई नाही जही दिन ओही दिन तूरी के बिगाई जई हैं बांसुरी। अद्भुत पढ़ रहे हैं भैया, वाह। और कुछ गीतों के लिए मेरे पास रिकमेंडेशंस आए हैं, बहुत सारे लोगों ने भेजे हैं, तो जटायु उसे बाद में सुनाऊंगा। अच्छा, शुक्रिया। वो सुनिए जो आपने नहीं सुना है, शबरी। शबरी पे सुनिए। महेंद्र ने मुझसे कहा था भैया आप शबरी बहुत कम पढ़ते हैं, ओरहन और जटायु तो पढ़ते रहते हैं, आज शबरी सुनिए। इमेजिन करिए कि राम के राम लला आए हुए हैं शबरी के आश्रम में, स्वयं भाई सुनिएगा। कि पाकल बीन उठावती बेर तऊ पुनी काटे ले दांत से कट्टा, पके हुए बेर उठाती है फिर भी चख के देखती है मीठा है कि नहीं। पाकल बीन उठावती बेर तऊ पुनी काटे ले दांत से कट्टा, भक्ति के वा अधिकार जमावे ले जैसे लिखौलस राम के पट्टा, झूठ खियावे ले रे भगवान के भक्ति में लागल देले न बट्टा, अरे बबरी सबरी के स्नेहन काचहू बेर न लागत खट्टा, अरे बबरी सबरी के स्नेहन काचहू बेर न लागत खट्टा,
बेटा कि सेवत जो सबरी भगवान के ऐसन केहू न केहू के सेवे जे गति सिद्ध महामुनि जो हेले उ सहजे सुखवा सब लेवे अब भोग में बेर की उहो न ढेर खियावत में करी जात कुटेवे कि हाथ रखे नयनानी रखे जिभिया पे चखे तब राम के देवे हाथ रखे नयनानी रखे जिभिया पे चखे तब राम के देवे कि गठरी में बेर बाटे उहो ना ही ढेर बाटे भाव के बा नून अर हाथ के परात बा मीठे मीठे बेरवा के एक पहचान बाटे दांत के निशान बाटे पाकल बुझात बा लखन हरान बाड़े भक्त भगवान बाड़े भक्ति के नया अध्याय रे लिखात बा आ सबके खियावे वाला कितना भूखान आज सबके खियावे वाला कितना भूखान आज चार फल देवे वाला झूठ फल खात बा क्या बात है भैया अद्भुत पढ़ रहे हैं वाह वाह कि आम का जंगल के सारे पेड़ आपस में बात कर रहे हैं कि आम कहे सुन रे महुआ फल बांट के भी हम का फल पैली और धुने महुआ सिरयापन महुए से शराब बनती है तो और धुने महुआ सिरयापन रे मद बांट के आपन सैली सोचत बापी परा मन में हम छाह बटाई के ताप ही पैली जंगल के हर पादप सोचत रे विधना हम बेर न भैली जंगल के हर पादप रे विधना हम बेर न भैली कि सोने के थारी में ऊपर से जेकरा मिलला के उम्मीद न होवे बहुत बड़ा अतिथि आता है तो हम सबसे बेहतर ट्रीटमेंट देते हैं कि दोबारा पता नहीं आए न आए लेकिन अगर हमारे घर का कोई आदमी है तो हम उसको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देते क्योंकि जानते हैं फिर आएगा तो सोने के थारी में ऊपर से जेकरा मिलला के उम्मीद न होवे अभाव के भोजन में सबरी सुना माटी आ सोना में भेद न होवे का फल बा यदि भाजन स्वर्ण के भाव भरा नहीं वेद न होवे पातर में जिम्मारी हखाइल भूल से एक छेद न होवे नहीं तो लोग कहेंगे जिस पत्तल में खाया उसमें छेद करके चला गया इसलिए पत्तल में खाना जिम्मेदारी होती है कि पात के दोना की पात के बेना की पात के छप्पर पात के छानी पात के आसन पात ही बासन पात के भोजन पात में पानी पात समान झुराइल देह कि पात सो डोले ही आ मम जानी जंगल के हर पात पे लिखी बा रे शबरी तोरे राम कहानी जोरदार तालियां एक बार हो जाए वाह वाह क्या है उसके पास जो दे तो ओढ़न देत फटी लुगरी अरु टूटल टाट के देले बिछौना आंचर से भूई झार बिछावेले पायन काट न लेवे की रौना और एक गाली का प्रयोग है देखिएगा कि एक ही दुख के राम दुखी सबरी दुखी भी है राम आए हैं तो खुशी तो है लेकिन दुख इस बात का है एक ही दुख की राम दुखी सिय के हर ले रावना उधियोना राम के ऐसे निहारे ली आज कि जैसे निहारे मृगी निज छौना कि कैसे उतारी लगी डिठिया हम राम न जानत एक उटोना का उपहार करी ने व छावर ना हमरा लगे चांदी ना सोना का नई वेद लगाई प्रभु अब रिक्त हमारे तयाज भगोना दीन दयाल स्वीकार कर झरबेरी के भोग परास के दोना दीन दयाल स्वीकार आपन भाग सराहती बा दुअराइले हमरा करुणा कर आज फुलाइल ऐसे ही आजस फूलत अम्बुज देख दिवाकर ओ बुढ़िया पिटिया बनी चाहेले नाचे उठे पग बांध के झांझर लोरन गोड़ पखारत भीलनी पोछत आपन धोती के आंचर कि धन्य परास के पत्तल बेर की बाटई सौ धन बाद रे धोती धन्य उछाती की राम के देखत
फूटल बाटई दूध के सोती, धन्यता देखत भीलनी के सुख से तब जाई के बोले ले तोती। राम निहारी के रोवती बाड़ी की ज्योति के आज परी छत मोती। राम निहारी के रोवत बाड़ी ज्योति के आज परी छत मोती। और अंतिम में कि भीलनी के न बुझाए कुछो हम काही करी अब यही घड़ी में। डूबती बा कबहू उतरात बा भावना के अफरा तफरी में। सागर में मछरी रहली पर सागर कैसे रही मछरी में। एक सुखदायक राम तोहे सबरी न भुलाइल बेसबरी में। हे सुखदायक राम तोहे सबरी न भुलाइल बेसबरी में। और अंत में मैं जटायु से कुछ छंद सुना करके विदा लूंगा। स्वागत है भैया जटायु का। एक बार जोरदार तालियां दोनों हाथ ऊपर उठाकर बजा दीजिए। भैया वैसे छंद पढ़ रहे हैं जैसा आजकल कवि सम्मेलनों में कम पढ़ा जाता है। बहुत सुंदर था। स्वागत। बहुत शुक्रिया। जटायु और संपत्ति का प्रसंग है, आप सब जानते होंगे। एक बार उन्होंने सूर्य को छूने के लिए प्रतिस्पर्धा लगाई थी। जटायु छोटा भाई है, वो पीछे पीछे उड़ रहा है, संपाति आगे उड़ रहा है और संपाति उसे ललकारते हुए कहता है कि पंखिया चलो ले आव मोहे पिठियो ले आव अस धीरे चलब हरावे नाही पईब। तोहरो ना नीक लागी हमरो खराब लागी हार के जो हमरा से भाई मोर जईब। खूब लजवाई होई जग में हसाई होई काहे ठान ठनली ई सोच पछितईब। जो ना आज जीतब जटायु तनी सोच लग घरवा में जाके कौन मुहमा देखाइब। जटायु जवाब देता है कि नाही ढेर दूर हम तोहरा से बानी तात नाही बड़ा आगे तू एक दू तराई से। अब बल सह जोर बाटे पखिया में जोर बाटे और ना थकान बाटे तने चढ़ाई से। हार जो मैं जाब तात तब नाही कछु होई लाज कौन हारला से निज जेठ भाई से। तनिका तू सोच लकी जीत यदि गईनी हम काथी जाके कहब तू तात से अमाई से। कि हार स्वीकारी के आपन से हम हार स्वीकारी के आपन से हम आपन मुँह बिगारब नाही। तू कुछहू कहब हम तोहर हारे के बात उचारब नाही। और बराबरी में तोह से हम आपन सांस उखारब नाही। ऐसन ई प्रतियोगी स्वयं ऐसन ई प्रतियोगिता बा जितब तू तबो हम हारब नाही। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। ये बात आज के कवियों पर भी लागू होती है कि छोटे जे मान ले जेठ से हार तो काहे के भाई से भाई डराई। आपन सीमा में दोनों रहे तब काहे के भाई से होई लड़ाई। प्रेम से जीत मिले सबका और प्रेम से पाटला बैर के खाई। कैसे के भाई हुए अलगा जब एक ही तात एक ही माई। कि कहीं पालत तात उन्हें अरु एक ही गोद खिलावत जाई। एक ही हाथ के झूला झूलावत दूध पियावत एक ही गाई। एक ही भाव से प्रेम करे कछु अंतर ना समझे के हुपाई। वेद पुराण बतावत बाकी मिले जग में न सहोदर भाई। कि भाई होला गुरु जस भाई होला बाप जस माई जो ना होली तब भाई होला माई रे। भाई बड़ मीत होला भाई बड़ हित होला रोग जब होला भाई बनेला दवाई रे। कवच कुंडल होला भाई बाहु बल होला एक भाई देह दूजा होला परछाई रे। अब बड़े बड़े विपत्ति जे आई जाला भाई पर भाई जाके बन जाला बड़े का सहाई रे। कि रन बन जाके जब जूझे में पड़ेला केहू देई के आशीष भाई विजयी बनावेला। देह के थकान सब दूर होई जाले जब जांग पे सुताई भाई शीश सहलावेला। अब विपत्ति में उचित सिखावन बता के भाई गलती सही के पहचान भी करावेला। धन्य होई जाले तब अनुज के रोम रोम बढ़ भाई धई जब छाती से लगावेला।
कि भाई विपत्ति में जाके घिरे तब भाई बने तलवार दुधारी। आचर जे उठी जाए मतारी के जाई के भाई बने महतारी। और जे भाई के कष्ट पड़े तब भाई ये तब बन जाला पुरारी। और स्वयं भाई सुनना कि इंद्र के कोप कबूब रखे तब भाई बने ला गोवर्धन धारी। कि नाता हजारन बा जग में अनमोल है भाई से भाई के नाता। दूध के नाता है, खून के नाता है, तात के नाता है, माई के नाता। एक ही दूध कटोरी के नाता है, एक ही भात मिठाई के नाता। भक्त के नाता टूटे भगवान से, टूटे न भाई से भाई के नाता। भक्त के नाता टूटे भगवान से, टूटे न भाई से भाई के नाता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।